अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग। चले जी आज कर लेते हैं ग्रोसरी, और ये ग्रोसरी है खास क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, उसी के लिए आज हम ग्रोसरी कर रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं एंट्रेंस पे ही इन्होंने बड़ा अच्छा सा यहाँ पर रमज़ान का लगाया हुआ है और पूरा स्टोर इन्होंने इस तरीके से सजाया हुआ है। तो मैं आपको आगे चलकर दिखाती रहूँगी, आप देखिएगा किस तरीके से इन्होंने रमज़ान का यहाँ पर स्टॉक भी देखें, हर जगह माशाल्लाह से डिफरेंट चीज़ें भरी हुई हैं। सेम है सामने आप जो देख रहे हैं ये क्रॉकरी सेक्शन है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे, अभी हमने करनी है ग्रोसरी, तो इसी सेक्शन में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश हरा धनिया, पुदीना, पालक, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। इसके अलावा समोसे की पट्टियाँ भी डिफरेंट हैं, कौन से समोसे की और रोल की पट्टियाँ लेनी है, मैं कौन सी यूज़ करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हर मार्केट हर बाजार में यहाँ पर रमज़ानों के लिए इतनी रौनक हुई हुई है, हर कोई यहाँ पर अब रमज़ान की शॉपिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है। ये खजूरों का सेक्शन है, स्टोर से हो गई शॉपिंग। देखा, 2 घंटे की शॉपिंग आपको मैंने 1 मिनट में ही दिखा दी। तो अब चलेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टोर। अभी मैं आपको यहाँ की इनकी दिखा रही हूँ किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर डेकोर किया है रमजान के लिए। माशाल्लाह से हर जगह कोई ना कोई डेकोरेशन नजर आती है पूरे सऊदी अरब में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ गए हैं यहाँ पर पांडा, और पांडा में भी आप देख सकते हैं दिल भर के यहाँ पर हर चीज का स्टॉक। माशाल्लाह इतनी रहमत होती है रमजान में, इतनी बरकतें होती हैं, और ऑफर्स भी माशाल्लाह काफी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर सारे इन्होंने ना रमजानों के लिए छोटे छोटे चांद और सितारे लगा दिए। विमटो का पहाड़, जैसे हमारा रूह अफजा होता है ना, हम लोग पीते हैं रमजानों में, इस तरीके से यहाँ पर सऊदी जो है ये विमटो शरबत पीते हैं। बोतल आपको मैं दिखाती हूँ करीब से। यहाँ पर भी जूस की लाइन लगी हुई है, ये देखें। माशाल्लाह से आप यहाँ देख सकते हैं ऑयल की कितनी सारी वैरायटीज रखी है, जिसमें से हम नूर यूज़ करते हैं, और जब से हम आए नूर पे ही स्टिक हुए हैं, कोई और अभी तक हमने स्विच करके नहीं देखा। तो बस साथ साथ यहाँ पर शॉपिंग चल रही है, जो जिस में ऑफर अच्छी लगी हुई थी वो हम साथ साथ लेते जा रहे थे। एंड में चलकर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या ग्रोसरी करी। ये स्टोर भी रमज़ानों के लिए काफ़ी अच्छा डेकोरेट करते हैं स्पेशली रमज़ान के लिए, लेकिन इस साल इसकी यहाँ पर रेनोवेशन हो रही है तो इतना इसको डेकोरेट नहीं किया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ डिफरेंट कलर्स के टमाटर, यहाँ देखें कलरफुल टमाटर, ऑरेंज भी टमाटर है और येलो भी टमाटर है। ये हरा धनिया और ये पुदीना यहाँ से ले लेते हैं, हरे पत्ते की प्याज, ये सही है। ये है खजूर का सेक्शन, यहाँ पर हर किस्म की यहाँ पर खजूरें मौजूद हैं। ये भी चक्कर है, देखो ये सफ़ेद है, ये थोड़ी लाल लाल हो रही है और नरम नरम लिखा हुआ है इस पर, ये सादी है। ये ले लेते ना, ये कम है मेरा ख्याल से। रमज़ान की ग्रोसरी अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो जाने से पहले आप एक पेज पे अपना ये होमवर्क कर लीजिएगा छोटा सा, कि आपने क्या क्या प्रिपरेशन करनी है रमज़ान के लिए, क्या क्या बनाना है, तो उस हिसाब से आप ग्रोसरी कर लेंगे तो आपका टाइम भी सेव रहेगा और आप डायरेक्ट उसी जगह पर पहुंचकर वो चीज़ ले लेंगे। तो मैंने ये काम पहले से कर लिया था, मुझे मालूम था कि क्या क्या जाकर लेना है। अभी हम वापसी आएंगे इस सेक्शन पर रोल पट्टी के, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सी रोल एंड पट्टी ली है। पर मिल गई है स्प्रिंग रोल की पेस्ट्री, अंदर करके रखी हुई थी। यहाँ से मैंने रोल और समोसे की पट्टियाँ ले ली थी, डेल्टा की ली थी, और वो ज़्यादा बेहतर होती है अगर आप लें तो, आप जब यूज़ करेंगे तो जब आपको आइडिया होगा। तो यहाँ से मैंने बस शिमला मिर्च भी ले ली थी, तीनों कलर 1.50 की लगी हुई है, 1.5 रियाल की। ये कैबेज ये भी ले लेते हैं, काफ़ी साइज़ आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं। ये वाली मैंने ले ली है ढूंढ ढान के, पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, फ्रेश जिंजर पेस्ट, फ्रेश गार्लिक जिंजर, रेड चिली पेस्ट, और ये है इमली का पेस्ट, इमली की चटनी, ग्रीन चटनी भी मौजूद है। लेट्स सी इसका नाम क्या है, फ्रेश ग्रीन चिल्ली पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इनके प्राइजेस क्या हैं, प्राइजेस नहीं लिखे हुए। ये सारे मशरूम्स हैं, और यहाँ टमाटर लगे हुए, चेरी टोमेटो 1 रियाल के।
यहाँ से भी हो गई ग्रोसरी, क्योंकि हर स्टोर में डिफरेंट ऑफर लगी होती है, तो जहाँ जो अच्छी ऑफर होती है वहाँ से वो चीज़ ग्रैब कर लेना चाहिए, क्यों ऐसा ही है ना। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, चले आइए हमारे साथ। अब आ गए हम रमजानों के लिए स्पेशली खजूर लेने के लिए। ये सारी खजूरें अलग अलग नामों की हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी डिफरेंट खजूर थी, जो खाओ वो अच्छी लग रही थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी खजूरें लें और कौन सी ना लें। फिलहाल दो किस्म की हमने डिफरेंट खजूरें ली। आप देखें वेजिटेबल मार्केट है यहाँ पर, आलू और प्याज जो है बंडल्स में मिल जाएंगे और थोड़े से रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं। फर्स्ट टाइम लोग यहाँ पर आए और राशन ले रहे हैं। अभी देखें आलू प्याज, अल्हम्दुलिल्लाह सारी ग्रोसरी अच्छे से हो गई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी खजूर लेना, उसी के लिए हम यहाँ पर आए थे। वेजिटेबल मार्केट में तो ऐसे ना मुझे यूं ही ले गए थे, तो हमने कहा चलें आलू और प्याज भी यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि वो बंडल्स में ले लिया जाए तो वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता। तो उसके बाद हमने यहाँ पर खा पा किया। हलीम नॉट अप टू द मार्क, निहारी अच्छी थी, मज़ा आया खाने में। उसके बाद मीठा तो बनता था, मीठा खाने में मेरा दिल चाह रहा था फालूदा खाने का, तो हम पहुंच गए मिठाई की शॉप पर। और यहाँ पर देखें क्या कहते हैं इसे, गजला फैनी मिली, और उसके बाद यहाँ पर पूरा दही बल्ले का इन्होंने सामान रखा हुआ था। गोलगप्पे का पानी, ये है रबड़ी फालूदा जिसे मेरा खाने का दिल चाह रहा था। यूसुफ एंड बिस्मा ने खानी थी गुलाब जामुन। ओके ओके, आप खाइए आप खाइए। ओके जी, घर पहुंच गए हैं, और घर पहुंचते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इनको सामान को सब जगह रखना, सही सेटिंग से रखना, ये भी एक काम है। ओके जी, यहाँ पर जो है सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखी हैं, बाकी सामान आपको वहाँ रखा है। पास्ता निकाल लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले केले, इसका भी मैं टिप आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इसको रखते कैसे हैं। इसका जो ऊपर की ये टहनी होती है ना, इसको आप इस तरीके से कवर करके रख दें, तो ये आराम से जो है 4 दिन तक जो है ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, मौजूद है। ये भी है चॉपर के कचरे इतने, और ये दिल भी है यहाँ पर मौजूद। फ्रूट्स में ये एप्पल आ गए हैं, इन सबको मैं वॉश करके फिर रखूँगी। थोड़ा प्याज, आलू, आलू के पकोड़े, बिरयानी में डलते हैं, और ये है शलजम, शिमला मिर्च, ये मैंने 3 लिए हैं, और इससे भी मुझे अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं, देखें क्या क्या मैं बनाती हूँ। और साथ में मैंने ये येलो वाली भी ली हैं। इसके अलावा गाजरें हैं, टमाटर लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए, यहाँ पर ऐसी शकरकंदी मिलती है पाकिस्तान जैसी नहीं मिलती, और थोड़ी ज़्यादा मीठी होती है, टेस्ट वैसा नहीं होता, लेकिन ठीक है ऐसी शकरकंदी होती है। खीरा है फॉस्टर क्लार्क के, ये भी ऑफर में लगे रहते, तो मैंने लिया है रेड, ग्रीन, येलो, येलो में पाइनएप्पल था, मैंगो भी था, लेकिन मैंने कहा ये ले लेते हैं। और ऑरेंज पैकेट में थी, सही मिल रही थी, तो मैंने ये वाली भी ले ली है, बाकी रेड और ग्रीन खुली ली हैं। पाकिस्तानी ऑरेंज, बस इंशाल्लाह था रमज़ान अच्छे गुजर जाएँ। और मैंगोस हैं जो कि मैंने ना वॉश करके ही यहाँ पर रख दिया, और फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। साथ में ये मैरी बिस्किट, इसमें कोई डेजर्ट वगैरह मैं बनाऊँ शायद रमज़ान में, तो ये भी ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर आप थैलियों का कचरा देख सकते हैं, कितनी सारी थैलियाँ हो गई, कुछ तो मैं साथ साथ इस थैली में रखती जा रही थी, बाकी अभी भी बाहर ही हैं। ये सारी सब्जियाँ हैं, फ़िलहाल मैंने यही लिया है। इसके अलावा क्लीनिंग के लिए ये वाला सामान भी ले लिया था, तो ऑफ़र अच्छी हो और तो सामान आपको लेके स्टॉक कर लेना चाहिए। और सब्ज़ी मंडी से हमने प्याज और ये आलू ले लिया था, इसके लिए भी मेरे पास आइडियाज़ हैं कि इसको किस तरीके से प्रिजर्व करके रखना है, तो आपने ट्यून रहना है रमज़ानों में। इसके हवाले से भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। माशाल्लाह से सामान ज़्यादा था, फिर एक ग्रोसरी मैंने ओपन करी, उसको निकाल के सबको जगहों पे रखा, फिर अब ये दूसरी ग्रोसरी है, क्योंकि आपने देखा कि मैंने 2 स्टोर से शॉपिंग करी है, तो रमज़ान के हवाले से ही सारी चीज़ें हैं, ऑयल, रूह अफ़ज़ा, स्पेगेटी, क्रीम,
कस्टर्ड, विप क्रीम, तो रमज़ानों में कभी कभी मीठा भी बनाने को और खाने को दिल चाहता है, तो उसके हिसाब से मैंने केक भी ले लिया है साथ ही, ऊपर कस्टर्ड भी आप देख रहे हैं। ओट्स हम रेगुलरली तो नहीं खाते सैरी में, लेकिन कभी कभी हम लोग ओट्स भी खा लेते हैं साथ में। यहाँ पर सॉसेस हैं जो कि हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो अपने ही हिसाब से यहाँ पर सॉसेस ले लेते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं सामने ये स्वीट्स की जो है पेस्ट्री भी ली है, इसकी भी रेसिपी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार शेयर करने वाली हूँ, तो आपने स्टे ट्यून रहना है बिल्कुल। और साथ में यहाँ पर हरा धनिया, प्याज और यहाँ पर हरे पत्तों की प्याज भी ले ली थी, इसको भी बस मैं जस्ट काटूंगी और इसको भी साथ ही रख दूंगी ताकि ये प्रिजर्व रहे, मेरी रेसिपी में ये इस्तेमाल होंगी, तो इनको मैं अभी से कट करके रख दूंगी, ऐसे ही रखा तो फिर ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने पट्टियाँ ली हैं डेल्टा की, विद ऑयल लिएगा तो वो ज़रा अच्छे से चलेगी। और यह है कि रमज़ानों में आप पूरा बना के रख लेंगे, ये ख़राब नहीं होती, बस ये कि आप जब बनाएं तो इसको कवर करके रखें, अगर बच गई हैं तो तब भी आप इसको कवर करके रखें, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, विद ऑयल तो ये अच्छी होती है। ओके, इसके अलावा पास्ता है, सारा सामान मैंने नहीं रखा क्योंकि ऑब्वियसली शॉर्ट जगह की कमी, और बस आपको आइडिया हो जाए क्योंकि पास्ता जो है ऑफ़र में आजकल 4 लग रहे हैं, तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर 2 ही रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पर यह अनारदाना रखा है, ये पकौड़ा मिक्स में और बहुत सारी चीज़ों में डलता है। बाकी यहाँ पर हनी है, ये कॉकटेल है, फ्रूट कॉकटेल है, व्हाट एल्स, मायोनीस है और कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर के भी 3 डब्बे जो है ना ऑफ़र में लगे हुए थे। बाकी नमक भी 4 अदद आते हैं तो मैंने सिर्फ 1 ही रखा है। यहाँ पर क्रीम भी 4 हैं, यहाँ 2 रखी है पांडा की, है पांडा की, हाँ यहाँ पर न्यूट्रेला ब्रेड है, ये बिस्मा खाती हैं, यस। तो बस यही ग्रोसरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी ग्रोसरी जनाब। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके घर में रिस्क में बरकतें दें और जो परेशानियां हैं वो ख़त्म करें और हमारे रमज़ान बहुत अच्छे गुजरें, हम बहुत सारी इबादतें करें और वो अल्लाह ताला हमारी इबादतें भी कबूल फरमाएं, आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।